कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने आज एक मीटिंग की जिसमें महाराष्ट्र के सुगर मिल से रिलेटेड इश्यूज पर डिस्कशन किया गया। पर सोचने वाली बात यह है कि जो भी डेलीगेशन आज अमित शाह के साथ मीटिंग करने गए थे उसको देवेंद्र फडणवीस लीड कर रहे थे। ऐसा क्यों? वो किस हक से वहां पहुंचे? सोचने वाली बात है। करीब 14-15 लोग थे इंक्लूडिंग सुगर मिल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि आज मीटिंग में पार्ट लिए। पर सवाल वही है, आखिर देवेंद्र फडणवीस किस ओहदे से वहां गए थे? इससे समझ में आता है कि कुछ न कुछ ऐसा एक्शन होने जा रहा सुगर मिल्स वाले नेताओं और उनके फैमिली पर जिसके बारे में हम और आप बस गेस ही कर सकते हैं। अजीत पवार और उनके फैमिली मेंबर्स की कंपनीज पर 8 दिन इनकम टैक्स का रेड होना, बस एक ट्रेलर था ये। शरद पवार को लगता है कि टेंशन दे देकर मोदी सरकार मार डालेगी। सोचिए, गांजा को वनस्पति बोलने लगा है ये बुजुर्ग व्यक्ति। ये दर्शाता है कि कुछ तो परिवर्तन होने वाला है सुगर मिल्स इंडस्ट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, और इसका इम्पैक्ट कई भ्रष्ट नेताओं की दुकान पर भी पड़ने वाला है।